हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और सी बरी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं दक्षिणेश्वर काली टेंपल, माता काली की टेंपल है यहाँ पर। और ये देखिए, जो अभी अभी मैंने जूम करके दिखाए, ये है मंदिर में एंट्री करने के लिए गेट है। ये जो जगह है ये बहुत ही बड़ा जगह है, सो एक बार में फुल व्यू देना पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। और ये देखिए, यहाँ से लाइन देना पड़ता है सबको पूजा करने के लिए। ये जो सिक्योरिटी चेक है ना, यहाँ से सिक्योरिटी चेक होने के बाद आपको अंदर घुसने देंगे, और यहाँ से चेक होने के बाद आपको अंदर जाके मंदिर मिलेगा। वहाँ पर भी आपको लाइन देना पड़ेगा, और कभी कभार बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है, स्पेशली कुछ ओकेजन रहता है तो, जैसे बंगाली न्यू ईयर या फिर रथ यात्रा ऐसा कुछ। और ये देखिए, ये जो काउंटर है, यहाँ पर आप पैसे देकर अपना सामान जमा रख सकते हैं यहाँ पर, जो मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है, जैसे फ़ोन, बैग, ये सब। आज रथ यात्रा है, फिर भी आज सुबह के टाइम उतना ज़्यादा भीड़ नहीं दिखा मुझे। अब इधर देखिए, बहुत सारे स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर स्टॉल नंबर भी दिया हुआ है, 16, 17, 18 ऐसे करके, 9, 10 इधर, तो बहुत सारा स्टॉल है यहाँ पर, जहाँ आपको पूजा करने के लिए सामग्री यहाँ से मिल जाएंगे सब कुछ। यहाँ पर ये जो भैया लोग हैं, ये सारे के सारे ये ऐसे ही बाहर खड़े होके सबको बुलाते हैं। इसमें आके आप पूजा की सामग्री भी ले सकते हो और अपना जूते या चप्पल भी रख सकते हो यहाँ पर। ₹20 से है ना, 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है। अब स्टॉल के पीछे साइड जो है वो ऐसे छतरी बहुत सारे दिख रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर भी बहुत सारा दुकान है, बहुत वैरायटीज टाइप की दुकान है यहाँ पर, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। फ्रूट चाट भी मिल जाएगा यहाँ पर आप सबको। देखिए, 2 ठेला लगा हुआ है यहाँ पर, आइसक्रीम, पापड़ और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, सामान है, खिलौना भी है साइड पर। यहाँ से मंदिर का दर्शन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अंदर तो फोन अलाव है नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट में। पहले हम लोग चारों तरफ से जा सकते थे गंगा घाट में, लेकिन अब ये कोविड के वजह से या कुछ और है ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे गेट जो बंद किया हुआ है अभी अभी, और बहुत सारा चेंजेस दिखने को मिलेगा अभी जो पहले नहीं था। और ये है माता रानी रासमणी के मंदिर। अब आ गए हम लोग गंगा घाट में। यहाँ बहुत सारे लोगों का मन्नत रहता है, तो यहाँ पर नहा के फिर वो लोग पूजा देते हैं। अब हो गया हम लोगों का पूजा देना, और गंगा घाट में जाने के बाद हम लोग जा रहे हैं कार पार्किंग एरिया में। और यहाँ पर कार पार्किंग करने के लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा,
वो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। और ये देखिए आप, ये है कचौड़ी की दुकान, जो पहले बहुत सारा दुकान रहता था लेकिन अब नहीं है, बस एक ही दिखा मुझे। यहाँ पर मिल जाएगा कचौड़ी, लस्सी और भी बहुत कुछ। अब हो गया पूजा, दर्शन और खाना, अब निकल रहे हैं हम लोग मंदिर से। और एक बात याद रखना, अगर आपको जाना है तो मास्क लेके ही जाएंगे, मास्क के बिना आपको अंदर जाने नहीं देंगे। जहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है वहाँ पर आपको रोक दिया जाएगा, प्लीज़ फॉलो कोविड रूल्स। अब यहाँ पर है एक भैया जो कार पार्किंग के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अभी तो टाइमिंग का कुछ है नहीं, आप कितने टाइम भी अपने कार वहाँ पर पार्क कर सकते हैं, लेकिन लगेगा आपको 50 रुपीज़। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।